ये केना पारा पर्यटन स्थल सोजनपुर विश्रामपुर क्षेत्र साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो अभी आप ये जो सीन देख रहे हो ना, माँ समलेश्वरी महामाया पर्यटन केंद्र है, मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट है। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, ये केनापारा के अंदर में आता है। फिलहाल मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कैसा क्या है। ऐसा रिवर टाइप का छोटा सा एक नदी जैसा है, नदी भी नहीं, ये पोखरी था एक्चुअली, पोखरी जहाँ से कोयले वगैरह निकाल लिए जाते हैं। तो ये बस वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, क्रिएटिविटी बस लगाए और स्टार्ट कर दिया। बाकी यहाँ पे सारा कुछ स्टार्ट ही चल रहा है और यहाँ पे भी सारे काम चल रहे हैं, जैसे झूले वगैरह लग रहे हैं। ये यहाँ पे वोटिंग वगैरह के लिए बना हुआ है, यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब क्या, इधर के लोग ही आते हैं और यहाँ पे वोटिंग वगैरह करते हैं। और यहाँ पे खाने पीने का भी है, वहाँ ऊपर में भी चीजें बन रही हैं, ऊपर में भी, वहाँ पे भी, और इधर भी है, इधर भी झूले वगैरह बन रहे हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, दिस इज योर अजय पांडे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय छत्तीसगढ़िया। ये बच्चे मेरे को ऐसे देख रहे थे इसलिए मैं उनकी तरफ देख रहा था। मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे केनापारा में, एक छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आया हुआ था, ऐसा बस मैं जा रहा था। आज वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने पर्स किसी के लिए खरीदा था। तो मैं किसके पास जा रहा हूँ वो सब आपको देखने के लिए ब्लॉग पे मिल जाएगा। तो अगर आप ब्लॉग पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें। और बात ऐसा है कि यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा देखा व्यू अच्छा है तो मैं सोचा यहाँ पे आके ब्लॉग का शुरुआत किया जाए। तो यहाँ से हम अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से अंबिकापुर जा रहा हूँ। अभी मैं विश्रामपुर में हूँ और यह है हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला। शिमला एक्चुअली छत्तीसगढ़ का शिमला, इसको एक्चुअली नहीं बोलते विश्रामपुर को, विश्रामपुर से 100 किलोमीटर दूर मेन पार्ट है, वहाँ पे उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। तो वो वहाँ पे अभी मैं नहीं जा पाया हूँ फिलहाल। तो अब जहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वो सब आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं शूट कर रहा था तो बच्चे सब हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे बताओ फटाफट, कुछ गलत बोल रहा था मैं? नहीं, सही बोल रहा था। आज कुछ है क्या? क्या है? 26 जनवरी। आज 26 जनवरी है? आज 26 जनवरी है? 26 जनवरी झंडा फहराया है। ओ, मैं तो 15 अगस्त समझ रहा था यार। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आप सबको हैप्पी 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। क्या है हैप्पी रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस। क्या है? गणतंत्र दिवस। यहाँ पे आते हो डेली? आते हो, अच्छा लगता है यहाँ पे आना? बोलो, अच्छा लगता है। वो ऊपर में क्या बन रहा है वहाँ पे? वो ऊपर मतलब घर बन रहा है। घर बन रहा है? तो वहाँ क्या, जो घूमने आएगा वहाँ पे रहेगा ऐसा? नहीं, मतलब कि वहाँ पर मछली देखने के लिए। अच्छा, मछली देखने के लिए। और मतलब कि तो बस एक छोटा सा सही बस व्यू था, सो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया, तो मैं यहाँ पे आ गया। चलते हैं यहाँ से फटाफट। अब फिलहाल ना मेरे को जो यहाँ पे काम था मेरा रायपुर और विश्रामपुर में, वो थोड़ा बहुत हो गया। तो अभी अपने चलते हैं और मैं जा रहा हूँ अंबिकापुर, तो वहाँ पे जा रहा हूँ किसी से, बाकी का स्टोरी तो पता चल ही जाएगा। ये गाड़ी रखी हुई है, इसी से मैं जा रहा हूँ और अपना मैं गिफ्ट इसमें रख लिया हूँ और कुछ चीज़ें मेरे को लेनी है थोड़ी बहुत, बाकी अब यहाँ से चलते हैं। ये रोड वहाँ से इधर मैं ऐसे अंदर आया, यहाँ पे ये कुछ कुछ शिमला जैसा मौसम बनने लगा है। मतलब ठंड यहाँ पे कब हो जाए ना, कोई ठीक नहीं है। आप मेरे ये पीछे देख रहे हो ना, मैं थोड़ा रास्ते पे आके रुका हुआ हूँ। मतलब ना ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है ना, अभी मैं कपड़े लेके नहीं आके बहुत बड़ा गलती किया हूँ। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे जैसे मतलब थोड़ी दूर घर से निकलते हैं मतलब रास्ते पे, और ऐसा जंगल जैसा स्टार्ट हो जाता है, और घने जंगल के बीच में ही मस्त वातावरण के बीच में हम रहना पसंद करते हैं और ऐसे ही वातावरण में रहे ही हैं, तो मज़ा आता है। और मेरे को सर्दी खांसी भी थोड़ा हो गया है अभी तो फिलहाल। रोड के किनारे देख सकते हो सब्जी भाजी वाले बैठे हुए हैं, सारे सब्जी भाजी वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आता है रुक के मतलब रुक के ले लेते हैं। तो हमर तरफ के वातावरण मतलब छत्तीसगढ़ के वातावरण ऐसी रहते हैं, और मतलब यहाँ का वातावरण ना बड़ा मस्त होता है। ठंड के टाइम पे इतना जोरदार ठंड होता है ना कि मत ही पूछो, मतलब इतना ठंड होता है, इतना ठंड होता है ना कि मैं 2 दिन से प्लान कर रहा था कि जाऊँगा लेकिन जा नहीं पा रहा था। फाइनली आज 26 जनवरी है, 24 को मैं यहाँ पर पहुँच गया था बट 26 को जाना प्लान हुआ, अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अब चलते हैं वहाँ पर और फटाफट देखते हैं आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल मैं कुछ टोपी वगैरह भी नहीं लगाया हुआ हूँ, बस जैकेट वगैरह पहन लिया फिलहाल तो मैंने ऐसा। यहाँ पे पहुँच गया हूँ अंबिकापुर, और अंबिकापुर पहुँचाने के बाद उनसे बात हुई अभी,
और वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी वो थोड़े बिजी हैं, तो वो थोड़ी देर में मेरे को टेक्स्ट करते हैं, तो मैं उनका थोड़ा वेट कर रहा हूँ और फिर मैं मिलूंगा उनसे थोड़ी देर बाद। मैं उनका वेट कर रहा हूँ जो मेरे से मिलने वाले आने वाले हैं, मतलब मैं जिनसे मिलने आया हुआ हूँ वो मेरे से मिलने आने वाले नहीं है, मैं उनसे मिलने आया हुआ हूँ। तो बस अभी उनका वेट चल रहा है, देखते हैं बस आने वाली होंगी, वो आती है तो मिलवाता हूँ मैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम आ गए हैं कहाँ पे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं जो लेके आया हुआ था ना, क्या लेके आया हो तो आप समझ गए होगे, और क्या लिया था तो किसके लिए लेके आया था, बस अब मैं दिखाने वाला हूँ। तो इनसे मिलिए, ये है छत्तीसगढ़ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की पहली गर्ल ब्लॉगर, ये हमारी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की पहली गर्ल ब्लॉगर है, मिस कंचन देवांगन। हेलो। बाकी अब इनके मुंह से बताइए अपने बारे में आप कुछ कंचन जी। और जैसा बता दिए हैं कि मैं सरगुजा जिले की पहली और एकलौती ब्लॉगर गर्ल हूँ और डेली ब्लॉग शूट करती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को डेली ब्लॉगिंग देखने को मिलेगा 6:00 PM, कंचन देवांगन नाम से मेरा चैनल है। और थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए। थैंक यू आपको कि आपने मेरे को एक बार में हाँ बोला, मतलब एक बार में आपने रिप्लाई में सिर्फ हाँ ही बोला कि हाँ आप आ जाओ मिल लेंगे ऐसा। तो आप उतनी दूर से आए हैं, मैं बोली कि अब आए हम, क्योंकि डेली मार्केटिंग आती ही रहती हूँ और ब्लॉगिंग मेरा कंटिन्यू मतलब 24 और चलते ही रहता है ब्लॉगिंग मेरा, तो मैं सोची अगर मार्केट जा ही रही हूँ, अगर आ रहे हैं तो उनसे मैं जरूर मिलूंगी। और मेरे लिए ये बड़ी बात है भाई कि कंचन जी मेरे को टाइम दिया, क्योंकि मैं अभी मतलब ना इनके काम के सामने अभी ऐसा मेरा कोई भी ऐसा कुछ मतलब मैं इतना भी नहीं ऐसा समझ लो, अभी इनका काम मेरे काम से बहुत बड़ा है, तो इनसे मेरे को ना मिलके नहीं, आपका काम सच में सीरियसली आपका काम मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं बोला ना अभी आपको कि आप एक लड़की हो ऐसे यहाँ पे जो आप इतना अच्छा ब्लॉग कर रहे हो, इतने कॉन्फिडेंटली आप बात करते हो। और सबसे पहले एक मिनट आपको मैं टोक रहा हूँ, मैं ना आपके लिए एक कुछ लेके आया हुआ था, ये मेरी फैमिली ने देखा हुआ है कि क्या है, और हाँ मेरी फैमिली ने देखा हुआ है कि क्या हुआ, आप प्लीज ये ले लो। आपका ये एक छोटा सा आपका बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उसके लिए। और इसके लाने की कोई जरूरत नहीं, 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 नहीं। दूर से आए बस, मिलने के लिए। वो एक छोटा सा गिफ्ट है। अच्छा, और आप बताना प्लीज ना कैसा है, अभी बताओ क्या। हाँ बता दोगे तो अच्छा है, वो भी अच्छा है। चॉकलेट है, थैंक यू सो मच, इतने सारे चॉकलेट। अरे चलेगा, आप खाओगे ना, आप खाओगे, बच्चे भी होंगे ना घर पे छोटे, उसमें भी एक गिफ्ट है। वो आपको नहीं पता कैसा लगेगा, बट मेरी फैमिली जो है ना जी छत्तीसगढ़िया की फैमिली, उसने देखी हुई है। देखिए आप लोग मुझसे मिलते हैं, काफी लोग मुझसे मिलते हैं, गर्ल्स भी आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो प्लीज ये सब मत दीजिएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए मुझे। गिफ्ट का नहीं है कि आप लोग गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या होगा? मुझे लगता है इसमें पर्स होगा। कैसे पता पर्स होगा? वो ऐसा ऐसा शेप में दिख रहा है इसलिए। हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। अब गर्ल्स लोग यही सब दे सकते हैं ना, पर्स दे सकते हैं, अब बॉयज लोग का डिफरेंट रहता है, गर्ल्स लोग का अलग रहता है। मैटर ये करता है आपको पसंद आना चाहिए बस। सही बात। अच्छा है कहाँ से ये? ये मैं लिया था वहाँ से आते समय। हाँ? ये ना हाँ अहमदाबाद से लिया था। अहमदाबाद से? अरे वाह, ये तो यहाँ सामने से लिया। हाँ। नहीं अभी देखिए ये बता दिए रहे हैं बस, इसकी खुशी और दुगुनी हो गई। हाँ एक्चुअली क्या ना, मैं ऐसे खाली हाथ ये दूंगा फिर मीठा नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अगर आप यहाँ का बोलते ना कि ना 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 लिया ना ना तो अच्छा नहीं लगता। अहमदाबाद में मैं दिखा दिया था कि अहमदाबाद से आया मेरे लिए गिफ्ट यार। आपको कैसा लगा? सच से बताना, कलर वगैरह एकदम प्रोफेशनल पक्का? ठीक है, थैंक यू, चलो ठीक है, थैंक यू, वेलकम, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप बर्थडे के दिन आए होते ना? अरे एक्चुअली मैं बताया ना अभी आपको, थोड़ा काम था इसके लिए। वाह मजा आ गया। और कंचन जी से मेरे को मिलकर मजा आया, और अभी हम बस थोड़ा चाय कॉफी पिए, और वो अपने काम से आई हुई थी, तो अभी वो भी अब जाएंगी अपने घर पे और मैं भी जाऊंगा, थोड़ा मेरे को भी काम है। और कंचन जी से मिलकर अच्छा लगा, मेरी फैमिली से भी यही बोलूंगा कि प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जो मेरे को करके रखे हैं प्लीज उनको भी करें, मेरे जो भी 100-200 जो भी कुछ भी है वो उनको जाके करें प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टाइम आइएगा तो ये सब मत लेकर आइएगा। हाँ नॉर्मली आपको मिल सकते हैं, आप लोग भी आइएगा मिलिएगा नहीं, लेकिन प्यार से जो लेके आए आप। हाँ, ये है ना, प्यार से। ओके धन्यवाद दिल से। तो फाइनली अपना कंचन जी से मिलना हो गया, और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ अंबिकापुर से, क्योंकि मेरे को जाना है विश्रामपुर, और वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना काम है आज का और कल का, तो फिर
वहाँ पे चलते हैं। अभी मैं थोड़ा कुछ काम है भैया के पास, यहाँ पे भैया खड़े हैं, तो चलते हैं। मैं चलता हूँ, कुछ काम है वो करके फिर मैं निकलूँगा। फटाफट जगह पे रुका था तो सोचा थोड़ा आप लोगों को झक्कास व्यू थोड़ा दिया जाए। तो ये है वो झक्कास व्यू, देख सकते हो आप वो वादियाँ। इतना ठंड है कि कोई कॉलोनी के बाहर है ही नहीं, कुछ लोग ही एक आध दुक्का लोग है, जैसे वो एक बंदा खड़ा है वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ बाबू सिंह खड़े हैं और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपका अपना अजय छत्तीसगढ़िया। तो अभी मैं आ गया हूँ अंबिकापुर से, और कंचन जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। कंचन जी डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जैसे वीडियो में बनाती हैं, जैसे बोलती जैसे बात करती वैसी हैं वो, कोई दिखावटी कोई बनावटी बातें नहीं करती हैं। अच्छा, मेरे को ये लगा कि अच्छे क्रिएटिविटी वाले इंसान के साथ मैं एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो पाया, ऐसे इंसान से मिल पाया, और वो बहुत कुछ ऐसा शेयर की जो मेरे काम को इम्प्रूव करेगा, मेरी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। तो मैं ऐसे लोगों के साथ ही ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहता हूँ। और क्या ऐसे आसपास के लोग होते हैं ना, तो वैसे ही आपका मतलब माइंड सेट होता जाता है, तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और बाकी अपना दिन आज का अच्छा रहा, और बाकी अभी देखते हैं जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं फिर बाकी अभी अपना। और बाकी सब कुछ अच्छा रहा, मिल विल लिया, यही बस मिलना था मेरे को, मिल लिया। और जो गिफ्ट भी लेके आया था वो भी फाइनली मैंने दे दिया, तो बाकी सब अच्छा है। बस यहाँ का हो सकता है कि मैं आपको शिमला, एक्चुअली जो शिमला है छत्तीसगढ़ का, वो ना दिखा पाऊँ मेन पार्ट, तो वो मैं कभी, या फिर देखते हैं जैसा भी होगा। अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है बाकी देखते हैं। मैं भी आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब एक क्रिएटिविटी है। तो ये किसने बनाई, ये जिसने बनाया है वो है अंकू का छोटा भाई अंकित, उसका फ्रेंड, उसने बनाया हुआ है। तो मैं कभी हो सकता है उनसे मिलूं, क्योंकि मैं उनसे एक बार बात किया था, और मैं भी चाहता हूँ कि एक ऐसा एक फ़ोटो बनाऊँ किसी के लिए, वो शायद आपको कभी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। वैसे तो वही मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसी क्रिएटिविटी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये उस बंदे ने बनाया है, मतलब वो जिसका नाम है रवि पैकरा, वो बिलासपुर में रहते हैं, और मतलब ऐसे ही उनकी है, आर्टिस्ट वगैरह आर्ट का काम करते हैं, उनके अंदर ये सब सारी खूबियाँ, अच्छी अच्छी कविता वगैरह भी लिखते हैं वैसे वो। तो वो उन्होंने ये बनाया हुआ है, और एकदम बिल्कुल जैसा है, मतलब अंकू की मम्मी जैसी हैं वैसा ही बनाया हुआ है, आंटी जी जैसी हैं वैसे ही बनाया है। बाकी आज का दिन अपना अच्छा रहा था, और अच्छा ये रहा था कि मैं आज कंचन जी से भी मिल पाया, और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी पाया, अंबिकापुर जा पाया। और क्यों मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, क्यों मैं ऐसे ब्लॉग डालता हूँ कि मैं MSK से मेरी बात हुई, या फिर या कुछ भी मैं ऐसा, या प्रिंस से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, अभी कंचन जी से जैसा हुआ, तो ये मिलने का जो है क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो सब मैं किसी और ब्लॉग में डालूंगा। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और टाटा बाय बाय, सी यू सून, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़िया, हर हर महादेव, बाय बाय।